अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ किसने करवाया किडनैप? मैंने जो भी किया है सब हरी भैया के कहने पे किया है। किरण को उन्होंने किडनैप करवाया और उनका गंदा वीडियो भी उन्होंने बनवाया है। लगता है जरूर कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। बहुत हो गई तेरी मनमानी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं हरी। राजन मेरे भाई, तूने अपनी शेरवानी का रंग पसंद किया कि नहीं किया? दो भाई दो। नीला, ये गोल्डन, सफेद। बस करो भैया। काश इसी तरह हम दोनों के रिश्ते को भी मैं फेंक सकता। अरे बकलोल और बेशरम तो तुम पहले से ही थे, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने। क्या टीवी शो चल रहा है यार? भाई भाई की गर्मा गर्मी देखोगे? अब बता क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? सोचकर भी मुझे घिन आती है। इतनी गंदी हरकत की है तुमने। नहीं रहना मुझे इस गंदगी में। जा रहा हूं मैं तुमसे और सबसे दूर। लेकिन शादी तो मैं किरण से ही करूंगा और इस घर में कभी नहीं लाऊंगा उसे। और बहुत जल्द तुम्हारे एक एक काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलूंगा। जा रहा हूं। क्या कर रहे हो भैया, छोड़ो मुझे। क्यों रे, खत्म कर दो तेरा खेल। छोटा भाई है, पजामे में रहना सीख। तुझे क्या ये गुड्डी गुड़िया का खेल लगता है? फिल्म चल रही है कि तू आएगा, हाथ पकड़ेगा, शादी करेगा और अलग ले जाएगा। फिर वहां से तो पुलिस स्टेशन में चिट्ठियां लिखेगा कि इसने ये करा, इसे आके पकड़ लो। मैंने क्या बाबूजी की भभूत लगाई हुई है? क्या हथकड़ियां पहना दो मुझे। सुन बे, तुझे जिस किरण से शादी करनी है ना, उसका वीडियो है मेरे पास। 2 मिनट नहीं लगेंगे वायरल करने में और फिर सब लोग उस पे आग सेकेंगे। और गली मोहल्ला तो दूर की बात, पूरा जगत उस पे थू थू करेगा। अगर तुझे किरण से शादी करनी है ना, तो एक बात मैं छोटे से दिमाग में बैठा ले, शादी 2 होगी एक ही मंडप में, तेरी किरण के साथ और मेरी ज्योति के साथ। और ज्योति के साथ मेरी शादी होकर रहेगी। के बाद तुझे किरण को जहां लेकर जाना हो ना, चले जा। ठीक है? राजन, तेरी तेरी भाभी घर पे आई है। पहली बार तेरी भाभी अपने घर आई है। चल, अब हमें जो करना था हमने कर दिया। अब तुम दोनों मिलकर आपस में तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। घर की इज्जत को पतंग बनाकर बाजार में उड़ाना है या फिर मंडप में ले जाना है और हवन कुंड के सामने स्वाहा बुलवाना है। हाँ मम्मी, थाली लगा दी क्या? आते हैं आते। हम खाना खा के वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, हर रिश्ता भूल सकता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। किरण को बचाने का
हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ये सब जानते हुए हमें ब्लैकमेल होना होगा कि हर व्यक्ति सहमे हो। तुझे जिस किरण से शादी करनी है ना, उसका वीडियो है मेरे पास। 2 मिनट ही लगेंगे बाहर निकलने के। शादी 2 मिनट, एक ही मंडप में, तेरी किरण के साथ, एक मेरी ज्योति के साथ। फावड़ा लेके पैदा हुई थी क्या? कि जहां हमारी बेटी का घर बसने लगता है तू गड्ढे खोदना शुरू कर देती है? तू जहर बन के चिपक गए हर जिंदगी में। हमारी बेटी ने तेरी खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करनी है ना तो एक बात मैं छोटे से दिमाग में बैठा रही, शादी 2 होगी, तेरी किरण के साथ, मेरी ज्योति के साथ। फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं फिर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं? जी आप यहाँ पे आओ, अंदर तो आओ। सरी समदन जी, हम अपने बेटों की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। परसों के बाद हमारे खानदान में ऐसा अवसर आया है तो इस मौके पर पूरा शहर एकदम झमाझम रोशन करना चाहिए। वेदांत बाबू आप यहां? वैसे बड़े शुभ दिन पे बता रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए बैठिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं बाद में आता हूं। अरे विदान जी रुकिए ना। बिल्कुल सही कहा बाबा ने, सौभाग्य है हमारा, ज्योति और हम इतना लड़े झगड़े, अरे यहां तक कि माता फोड़ने की नौबत तक आ गई। सपनों में भी दुश्मनी के रिश्ते देखने लगे थे हम, और सब पर मोहब्बत की मिट्टी डाल दी भोलेनाथ के आशीर्वाद। और अब हम दोनों शादी के अटूट बंधन में बनने जा रहे हैं। चलो भाई, हम भी अपनी होने वाली बहू को जरा कंगन पहनाए। मुबारक हो।
ये खानदानी कंगन हमारी बहू को आज पहनाने का शुभ दिन आखिर आ ही गया। अरे विदान जी, तो आते ही वापस निकल रहे हैं, पर शादी के लिए पहले से टाइम बुक कर रहा हूं आपका। पर पधारिएगा जरूर, वो भी हमारे खास मेहमान बनकर, क्योंकि आपके बिना जीत थोड़ी अधूरी सी लगेगी। हम अरे हरी बेटा, सर जी क्यों नहीं आएंगे? अरे पूरा सिन्हा परिवार आएगा, हमारे लिए तो सिन्हा परिवार अपना ही परिवार है, तो हमारी खुशियों में शामिल क्यों नहीं होंगे भला? दीदी, ऐसे भूत बनी क्या बैठी हो? वेदांत सर जा रहे हैं, एक बार उनसे बात तो कर लो। वेदांत सर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। I'm sorry, ज्योति। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल करने का हक है कि नहीं, और मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम हरी जैसे घटिया इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने सोच समझ के फैसला लिया सर। सोच समझ के? अगर सोच समझ के फैसला लिया तो फिर आंखें क्यों चुरा रही हो? देखो मेरी तरफ। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सब बोलते हुए खुद अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रही हो तुम। पता ज्योति, एक लड़की के लिए सबसे खास दिन होता है उसके जीवन साथी का मिलना, पर तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी एक बुरा सपना देखकर उठी हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर में काफी काम था तो बस थक गई हूं, वरना मैं बहुत खुश हूं। स्ट्रेंज, तुम कह रही हो कि तुम इस फैसले से इतनी खुश हो, पर तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे शब्द और तुम्हारी आंखें एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। तुम्हारे होंठ कुछ बोल रहे हैं और तुम्हारी आंखें कुछ और। मैं जिस ज्योति को जानता हूं ना, उसके सपने उसके कद से कहीं ऊंचे हैं, उसके हौसले उसकी आंखों में जुगनू से चमकते हैं, उसकी हिम्मत उसकी आवाज में जादू भर देती है, और जब वो वादा करती है तो मानो वो वादा पूरा होके रहता है। पर ये जो लाचार बेबस ज्योति मेरे सामने खड़ी है ना, ये वो ज्योति है ही नहीं। मैं जानता हूं तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, पर ये नहीं बताया कि वो प्रॉब्लम है क्या। पर मैं इतना जानता हूं कि उस प्रॉब्लम ने तुम्हारे मुंह पर ताला लगा दिया है, और उसी मजबूरी में तुम ये शादी कर रही हो। बताओ ज्योति, क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद तुम ऑर्डर पूरा कर ही नहीं पाओगी। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम ये शादी एक मजबूरी में कर रही हो, अपनी मर्जी से नहीं। सॉरी, कहीं बीच में तो नहीं आ गया कोई? प्राइवेट बात चल रही थी क्या? नहीं, ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कौन सा जाके किसी के कान भर के आएंगे? एकदम स्पेशल चेन खरीद के लाया हूं।
अपनी होने वाली बीवी मिसेस हरी गौर को पहना रहा हूं। वैसे भी दो दिन बाद तुम्हारा नाम और पहचान बदलने वाले। आप तो ज्योति के वेदांत सर, आप तशरीफ ले जाइए ना। वो क्या है ना, हमारे घर की औरतें पराए मर्द से बिल्कुल घुलती मिलती नहीं है। संस्कार टॉप लेवल के हैं हमारे घर, तो प्लीज। चलिए फिर, सब अंदर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। कितनी देर लगा दी देवी जी, वेदांत तो गोद में बिठाकर घर तक छोड़ने गई थी। सुनिए, एक बढ़िया सा ताला लेकर आए हैं, जाइए और अपने सपनों पर ताला लगा दीजिए। आपको क्या है ना, शादी की तैयारियां भी करनी है और समय बहुत कम है। अरे ये तो महाकाल की कृपा है जो उन्होंने घर बैठे ऐसे घराने से जोड़ दिया, वरना आजकल की शादियों में कहां लड़के वाले इतना खर्च करते हैं। वैसे भी हमारा दिल तो मोम जैसा है, तुम्हारे औकात को देखकर ही पिघल गया। सोचा कि हाँ झेल पाओगे तुम लोग ये सब कुछ, और फिर हमें अपने लड़कों की शादी धूमधाम से भी तो करनी है, हैं? और रही बात बासु जी की, तो इन्हें तो बोतल से ही फुर्सत नहीं है। देखा ही इनका ठिकाना है। जब हमें ही सब कुछ करना है तो सब कुछ हमारी मर्जी से होगा। तो एक बात कान खोलकर सुन लो और दिल खोलकर मान लो, शादी के बाद हमारी घर की औरतें बाहर का काम नहीं करती है, उनके लिए पति परमेश्वर और उसके परिवार की सेवा 24 घंटे बस यही काम। अरे इतना समझाने की जरूरत नहीं है आपको समदन जी, सब समझी बूझी हैं ये दोनों। आप जो कहेंगी ना वैसा ही होगा सब कुछ। इन्होंने तो ये समझ लो 16 सोमवार भी 160 सोमवार का व्रत किया है। जो ऐसा घर बार और इतने खुले दिल की सासू माँ मिली है ना ज्योति। अब सबकी मन्नतें पूरी हो रही है तो हम हमारी बात भी रखी देते हैं। शादी दो होंगी एक ही मंडप में, पर पहले होगी ज्योति और हमारी, वो भी दो दिन में। वो क्या है ना, इनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, तो माथे में डर सा लगता है कि कहीं राजन और किरण की शादी के बाद हमारे हाथ में लेमन जूस थमाकर निकल ना जाए। जीती थी सबके लिए है अकेली सब सहने को।
दीदी, सारी दुल्हन अपनी शादी का लहंगा पहनकर खुश होती है, शायद मैं ही ऐसे ना खुश हूं। नहीं दी, ये गलत है। आपने हमेशा दूसरों के सपने पूरे किए हैं। एक सपना खुद के लिए देखा था, मैं उसे कैसे टूटने दे सकती हूँ दी? मानती हूँ राजन से शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगी, लेकिन जब मैं आपको सारी के साथ देखूंगी, ये दुख मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी दी? अभी भी टाइम है, मना कर दो, मत करो ये शादी, मत करो। सपनों का क्या है किरण, वो सपने कहलाते इसलिए क्योंकि उनकी पूरी होने की गुंजाइश नहीं होती, और इस वक्त मुझे कोई सपना नहीं, तेरी खुशी दिख रही है। तेरी इज्जत, तेरी खुशियों के आगे ये शादी तो बहुत छोटी सी चीज है। किसी ने जान भी मांगी होती ना, मैं मना नहीं करती। हे भोलेनाथ, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना।